विजयवाड़ा में इस तरह से आंध्र प्रदेश के लोगों को विकास से पीछे रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान आंध्र प्रदेश में जो कैंपेन कर रहे हैं उनका यही नारा है कि अब आंध्र प्रदेश को डबल इंजन सरकार की जरूरत है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी ने यहाँ के दो मजबूत स्थानीय नेता हैं जो चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण, इनके साथ अलायंस किया है और बीजेपी को उम्मीद है कि अब वाईएसआरसीपी के जो अभी अभी प्रधानमंत्री ने कहा जो गुंडागर्दी का राज चल रहा है आंध्र प्रदेश में उसे खत्म किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के लोग भी विकल्प चाहते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है लगातार वाईएसआरसीपी के शासन के दौरान किस तरह से यहाँ पर करप्शन के चार्जेस, किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है पूरा प्रशासन और लगातार खुद वाईएसआरसीपी के नेता मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर 30 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं। उन्होंने खुद ये तमाम केसेस अपने एफिडेविट में बताई है। तो जाहिर है आंध्र प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव आज इन सड़कों पर लोग जुटे हैं, इस बदलाव की उम्मीद में आए हैं कि आंध्र प्रदेश में कुछ बदलाव